वेलकम टू मदर्स ओरिजिनल रेसिपीज। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़े के जीरे वाले आलू की रेसिपी। ये आम के रस या खीर पूरी के साथ खाने में बहुत मज़े के लगते हैं। चार दरमियानी साइज के उबले हुए आलू के पीसेस कर लिए हैं। अब मीडियम फ्लेम पर पैन में 3 टेबलस्पून तेल डालेंगे, 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा और 1 टीस्पून राई दाना डालेंगे। अब इसको 2 सेकेंड्स तेल में भुनेंगे। अब कुछ कड़ी पत्ते भी डालेंगे, कड़ी पत्तों से खुशबू बहुत अच्छी आती है। अब मसाले डालने से पहले फ्लेम को लो कर देंगे। 1/2 टीस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/4 टीस्पून हींग डालेंगे, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया ज़ीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर और 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। अब तेल में मसालों को अच्छी तरह से 2 मिनट के लिए भुनेंगे। मसाले अच्छी तरह से भुन चुके हैं और खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है। अब हम इसमें उबले हुए आलू भी शामिल कर देंगे। अब हल्के हाथों से आलू को मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे। अब फ्लेम को मीडियम कर लेंगे। अब 1/4 टीस्पून इसमें सूखी मेथी डालेंगे। और 1/2 लेमू का रस भी इसमें शामिल करेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके अब चूल्हे को बंद कर देंगे। अब कटा हुआ हरा धनिया भी इसमें शामिल कर देंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक का बटन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।